लगा के मेरी मम्मी भी कह रही है हेलो गाइस, कान्हा जी कह रहे थे हेलो कान्हा जी उठ जाओ। आदत खराब कर रहा हूँ मैं, आने वाली जनरेशन को प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप प्रिपेयर मत करें ऐसे भाई, सुबह उठते कभी मम्मी मेरी आवाज मारे हेलो गाइस उठ जाओ। सो गाइस गाड़ी एकदम रेडी है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस, और सैटरडे नाइट ही है अभी। सो निकल तो गए हैं घर से, अभी फिलहाल जा रहे हैं हम अंशु को लेने, और अंशु को लेने के बाद हम शांतनु को लेंगे। ना भाई अभी इतना प्रॉपर डिसाइड नहीं हुआ है, वैसे जो प्लान बन रहा है वो बन रहा है हरिद्वार का, और हरिद्वार है यहाँ से 254 किलोमीटर हमारे घर से। भाई ऐसी ट्रिप बनती है हमारी जब भी बनती है ना, कोई प्लान नहीं कुछ नहीं, चल रहे हो भाई चलो, ऐसा सीन है। तो अभी फिलहाल हरिद्वार जा रहे हैं, सबसे पहले अंशु को उठाएंगे, फिर शानू को उठाएंगे, फिर हरिद्वार जाएंगे। 90% चांसेस है हरिद्वार ही जाएं, और 10% चांसेस है कहीं और का, कहीं और की ट्रिप बनती है तो। वैसे तो 90% चांस है कि हरिद्वार ही जा रहे हैं। तो फिलहाल पहले अंशु को ले लें, उससे सलाह, उससे बात करेंगे, फिर शानू को कॉल पे लेंगे। शानू नोएडा ही है भाई, शानू नोएडा है और अंशु यहीं है पास में, तो अंशु को तो ले लेंगे, लेकिन शांतनु के लिए कहीं और की ट्रिप बनाते हैं तो शांतनु को फालतू में लेने जाना पड़ेगा, ठीक है। और हरिद्वार ही जाते हैं तो नोएडा रास्ते में ही पड़ेगा, तो उसको ले लेंगे। कल संडे है, कल दिन में मुझे भी कुछ काम है, तो उस हिसाब से देखना है कि आना भी है वापस। फिलहाल अंशु को बिठाते हैं और उससे सलाह करते हैं फिर क्या करना है, ठीक है भाई। तो गाड़ी यही चलाएगा क्योंकि मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, आंखों में भी जलन हो रही है, क्योंकि मेरी तो सीधी फ्लैश लगेगी पूरी रात, व्लॉग बनाना है तो फ्लैश डायरेक्ट आंखों में लगेगी, तो आंखों का और बुरा हाल होगा। बाकी आपको तो सारी चीजें दिखानी ही है, तो अभी चलते हैं अंशु के पास। मेरा मन लगा भाई ने भी यही प्लेट लिया, अभी तो देख रहा है भाइयों का प्यार देख रहा है, सो ले रहा है मैं ले रहा है भाई। क्या प्यार है भाई, सुबह से क्यों ना बताई इतना। हरिद्वार की एक हफ्ते पहले बता रखी थी, दोनों देख ले अंशु के कर रहे हैं अभी। अभी भाई ये क्या कहवे, हमने गाली नहीं दे सकते इसके ब्लॉग में, ना तो बहुत सुतरी गाली पड़ी थी मेरे पे ना, ना यार। अरे इसके ब्लॉग मेरी मम्मी भी देखे ना यार, मैं गाली नहीं दे सकता, यही तो बात गल रही है। मैं इसलिए नहीं दे सकता, मेरे को लगे सबसे पहले बुआ जी देखती होंगी मेरा ब्लॉग। बुआ जी गाली तो मैं नहीं दे पा रहा, बुआ जी गाली देने की कह रहा है, और मारू इसके यहीं साइड में लगा के। मेरी मम्मी भी कह रही है हेलो गाइस, कान्हा जी कह रहे थे हेलो कान्हा जी उठ जाओ। तो आदत खराब कर रहा हूँ पब्लिक की, हेलो गाइस करना, आदत खराब कर रहा हूँ मैं, आने वाली जनरेशन को प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप प्रिपेयर मत करें ऐसे भाई, सुबह उठते कभी मम्मी मेरी आवाज मारे हेलो गाइस उठ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, उठ गए हमारी बात हुई और वो मना कर रहा था, कह रहा है कि दोस्त के फ्लैट, मतलब फ्लैट पे रहता है ना वो साथ में, तो कह रहा है फ्रेंड के फ्रेंड आए हुए हैं ग्वालियर से, और सारे दोस्त भी आए हुए हैं कि आज का इस बार का कैंसिल करते हैं, अगले हफ्ते चलेंगे वो, तो बड़ी मुश्किल से उसे मनाया है और गाली दी है बहुत सारी, चलो मनाया इतना सा है, गाली इतनी दी है, जब जाके वो माना है। और शानू कह रहा था कि वही तेल डलवाएगा, तो भाई आ रहे हैं हम। आ रहे हैं शानू, टेंशन ना ले भाई। भाई साहब तो मैं नौटंकी दिखाता हूँ, ये देखो एटीएम में से पैसे निकाल रहा है, वो बेसबॉल का बैट निकाल के, कोई देख रहा होगा तो क्या कह रहा होगा, चोर डाकू लग रहा है। रख दे आ जा, GTA Vice City बना रहा है। तो अभी गाइस हम छावला हैं, कुछ पैसे निकलवा रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे नोएडा के लिए, और फिर वहां से सीधा हरिद्वार। भाई आ गए हैं, उच्ची उच्ची बिल्डिंगों में उसके सामने बिल्कुल आ गए हैं भाई, ये है ओए मालिक। अरे तू ये काट के क्यों खड़ा है, इसको बुला हुआ है। गाइस गाइस को आएगा हरिद्वार जोन, जिम चल रहा है, जिम चल रहा है, किट लेगा जिम वाली, चलो बैठो बैठो फटाफट बैठो फटाफट। सो गाइस अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं 24/7, क्योंकि मुझे अपना कुछ सामान लेना है खाने पीने का,
अभी दिखाता हूँ मुझे क्या चाहिए, पर मिलेगा नहीं मिलेगा ही नहीं पता। तो भाई मैं तो अपने लिए लेके आया हूँ फटाफट भेल, दो छोटे छोटे से ये पता दिमाग खराब हो गया है लेके घूम रहा है। जीटी वाई सिटी बन रहा है भाई, फोड़ दे। तो ये लापिनोज पिज्जा ले रहे हैं, बाकी चिप्स से बैग भर लाया अपना। तो भाई इनका पिज्जा आ रहा है भाई, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सो गाड़ी में ही दे जाएगा बंदा। तब तक ये हरकतें काट रहे हैं बाहर खड़े होके। अभी आ गया भाई पिज्जा आ गया। ओ भाई पिज्जा आ गया भाई हमारा। तो गाइस भाई ने गैस कर दी पनीर। भैया बताओ कौन सा पिज्जा है? पनीर टिक्का है भाई। ऐसे भाई ने पे किया सैलरी आ गई। अरे गाड़ी में बैठ के खा ले, उधर गाड़ी में फील बुराना चाहिए गाइस, फील बुराना चाहिए। चल पूछ। सिंगा 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 खुल गया, खुल गया सिंगा ना। चले भाई सिंगा दो, चले भाई चले, खुल गया या सी काट रहा है सिंगा के नाम पे भाई। आगे तो और टोल पड़ेगा सिंगा का लोड। आप ढाई घंटे का रास्ता रह गया है, जो कि हम एक घंटे में तय करेंगे। नहीं करना भाई, एक घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, ब्रेक लेने की ना है, मजे लो होंडा होंडा सिटी के, मजे लो। इतने मजे मतलब टायर आवाज कर रहा था भी, बहुत टायर आवाज कर रहा, कुछ निकल कर नहीं जाएगा। कितना शाने बन रहे हैं, मैं डिग्गी में सामान रख रहा था, गाड़ी आगे लेके भाग गए। मैंने भी कह दिया मैं नहीं हिल रहा, गाड़ी बैक लाओ, बिना बात गाड़ी लेके भाग गए, शाने बन रहे, मजाक कर रहे मेरे साथ। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 4:15 और हम पहुंच चुके हैं। मेरी आंख भी नहीं खुल रही भाई नींद के मारे, बहुत जबरदस्त वाली नींद आ रही है। गाइस चलो ना गाइस, आ रहा भाई, रुक जा भाई, नींद आ रही है। देख रहे हो आफत मचाते हैं बिना बात की। पार्किंग में गाड़ी हमने लगा दी है अभी, और 4:15 बज रहे हैं, तो अभी चलते हैं गंगा मैया की तरफ। और इतनी ठंड हो रही है भाई, देखेंगे अगर हिम्मत हुई तो नहा लेंगे, वरना फिर गंगा जी का आशीर्वाद लेके छींटे मार के अपने घर चलेंगे। तो अभी देखते हैं, लेकिन आंखों में जलन हो रही है नींद के मारे, तो चलते हैं अभी। देखो मेरी शर्ट ढक रखी है भाई, मेरी शर्ट ढक रखी है इसने, पानी की रफ्तार भाई साहब। अरे भाई उजल की शर्ट से अंदाजा लगा लो कितनी तेज हवा चल रही है, बहुत ही तेज हवा और बहुत ही ठंडी हवा। ओम नमः शिवाय भाई, वो भाई हवा पहले चक्रो गाइस, रुक के आपको शायद थोड़ा आइडिया लगे, रुक का आइडिया लगेगा आपको। इधर भीड़ बहुत ज्यादा है हर की पौड़ी की तरफ, और लोगों ने ना अपनी जगह भी लेनी शुरू कर दी है क्योंकि आरती होगी ना यहाँ पे, तो लोग देखो बैठ चुके हैं उधर सीढ़ियों पे, लोग अपनी जगह ले चुके हैं आरती देखने के लिए। थोड़ी देर में आरती होने वाली है, तो फटाफट देखते हैं नहा लेते हैं अगर हिम्मत पड़ती है तो। आरती शुरू हो गई गाइस, श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों का श्री गंगा सभा हार्दिक, और वो लोग उधर गए हैं नहाने। शानो तो नहाएगा नहीं, कह रहा बहुत ठंड लग रही है, ये नहीं नहा रहा यार। मैं पिछली बार आया था नहा लिया था, मेरी तबीयत सी थोड़ी खराब सी लग रही है। सही कह रहा है आज जोगी भाई, मैं हिम्मत करके मरने जा रहा हूं, मतलब नहाने जा रहा हूं, बहुत ठंड हो रही है। उज्ज्वल और अंशु ने नहाना शुरू कर दिया, तो मैं भी जा रहा हूं हिम्मत करके पूरी, और बहुत ठंड हो रही है भाई। मानू कपड़ों का ध्यान रख रहा है ये भाई, मैं भी आया फटाफट। आलिया भाई ये नहीं आया गंदीला। पर नहा लिया भाई, भाई जितनी तेज हवा चल रही है ना उतना ठंडा पानी नहीं है, मजा आ गया इसमें नहाया ना जा रहा। देखो भाई ये नहा लिया, ये भी नहा लिया, इतनी सुबह सुबह हम अपने घर नहीं नहाते। नहा लिया चेक,
डालिया मजा आ गया। आप कपड़े चेंज कर लेता हूँ मैं, जैसे मन कर रहा सच में और नहाने का है ना। सही में सही में यार, एक बार घुस जाओ। अरे बेवकूफ गाइस, हरिद्वार आ गए नहा के लिए। बारी बारी सबके लग रहा है। कैसे ही बना दो आप अपनी इच्छा से जो अच्छा लगे। करा ले तू भी, कर दो सबको। अब मुझे तो दिख नहीं रहा कि मेरे कैसा हुआ है, पर इनके त्रिशूल बना हुआ है। अच्छा यार, बड़ा वाला बना तुम्हारा ही त्रिशूल। जय श्री शंभू। और वो देखो महा है अपने महादेव। तो चलते हैं भाई, बस हो गया नाना धोना अपना। और ये चेक करो भाई, भीड़ देखो, आरती के लिए सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। और अब लहरें देखो भाई, अब देखो बहुत जबरदस्त। तो भाई मैं सोच रहा था नीचे आ रही है आरती की आवाज़, लेकिन ऊपर मनसा देवी हो रही है भाई पूजा। जय बजरंगबली। तो भाई मैं चला रहा हूँ गाड़ी, और ये देखो तो सोर लगेंगे 3-3.5 घंटे। कुछ खाने पीने रुकेंगे वैसे तो, क्योंकि नाश्ता नहीं करा है चारों में से किसी ने भी। तना ना आ रही नींद है। सो भाई अभी दिल्ली रहती है 180 किलोमीटर, मतलब हमारा घर एग्जैक्ट, उससे पहले नोएडा शांतनु को छोड़ना है। और ये देखो गाइज, अब आ गए हैं नोएडा। बस यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया है। इसका घर, इसका फ्लैट वाली तो आओ ओट बदले इसकी। ठीक है भाई, तिलक तो दिखा दे। इसके बाल ना है भाई, इसका ही साफ ना हुआ। इसका भी खराब हो गया और उसका तो भी ढक गया। मेरा तो पता नहीं, तेरे बाल आऊंगे ना होगा मेरे ना बाल। चल ठीक है, सो जाओ जाके, संडे एंजॉय कर अपना। चल एंजॉय, 1:30 सोओगे पूरे दिन। तो भाई अब मैं कर रहा हूँ गाड़ी चेंज, अब यही चलाएगा। इस बार वार्ड नंबर 2 से है। टाटा भाई सो जाके, एक अच्छे बनियान गंदे का भाई, ये भी मिलेगा इस बार। चलते हैं घर, और हालत देखो बहुत बुरी हालत हो रही है नींद के मारे। भाई घर आ गए हैं, होम स्वीट होम। तो गाइज अब आ गए हैं घर भाई, और 10 बज रहे हैं रात को एग्जैक्ट, शायद हम 10 बजे ही निकले थे, तो 10 से 10 घर पे, जिसके बीच में हम शांतनु के वहाँ पे रुके भी हैं जाते वक्त भी और आते वक्त भी खाने पीने के लिए। जब रात को लापिनोज पिज़्ज़ा लिया था भाई, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, तो हम शायद नोएडा से निकले थे 1:30 बजे के आसपास। तो आप आइडिया लगा लो कब हम पहुँचे, फिर वहाँ नहाए भी होंगे, वहाँ भी टाइम लगा होगा। और नोएडा 2 घंटे में आ गए थे, और फिर खाना पीना खाया, अब यहाँ पे 10 बजे फाइनली आ गए हैं। और मेरी आंखों में ना भाई बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने ना मिर्ची डाल दी हो। और तिलक भी आएगा, आधा कुछ हट चुका है भाई, पर नींद के मारे खड़े खड़े चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊँगा। तो फिलहाल मैं अब सो जाता हूँ। शांतनु भी सो गया होगा, अंशु भी सो गया होगा, रुजुल भी लेट गया है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करके हम सो जाते हैं। तो गाइस कैसी लगी हमारी मस्ती कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये जो सीन होता है ना हमारा कि अनप्लान ट्रिप पे हम ऐसे ही निकल जाते हैं, ये चीज़ तो आपको आगे भी मिलती रहेगी। और ये हरिद्वार का अब तक का भाई मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि 4 बजे इतनी सुबह सुबह मैं पहली बार नहाया हूँ, और इतनी ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड, बारिश जैसा मौसम हो रहा था वहाँ पर, और लिटरली जैकेट की ज़रूरत थी। और अब दिल्ली में आया ना, तो दिल्ली में इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी, हरिद्वार के मौसम की बात, ये तो टॉर्चर लग रहा है अब। और उत्तराखंड की वाइब्स अलग ही है भाई, हरिद्वार की वाइब्स अलग ही है। सो आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन
आना पड़ा। बाकी फिलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं यार। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट से बताना, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना इस व्लॉग को। मिलते हैं एक व्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।